की शुरुआत। प्रतिवेदन जो उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। संख्या 42। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समेत 2022-23 का पंचम प्रतिवेदन जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। संख्या 43। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समेत 2022-23 का 6वां प्रतिवेदन जो पंचायती राज विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। संख्या 44, श्री आशीष कुमार सिंह। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समेत 2022-23 का 7वां प्रतिवेदन जो पर्यटन विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। संख्या 45, श्री आशीष कुमार। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समेत 2022-23 का 8वां प्रतिवेदन जो नगर विकास विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। संख्या 46, श्री आशीष कुमार सिंह। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समेत 2022-23 का 9वां प्रतिवेदन जो सहकारिता विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। संख्या 47, सभापति पंचायती राज समिति। आपकी अनुज्ञा से मैं सभापति पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की पंचायती राज समिति 2022-23 का 6वां प्रतिवेदन जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति एवं पंचायत उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 विधानसभा में जो कार्यवाही है वो चल रही है, लेकिन इसी दौरान मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। विधानसभा में जो मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट है उसे रखा गया है और जनता जानना चाहती है उस दंगे की रिपोर्ट को जिस तरीके से सार्वजनिक किया जा रहा है उसमें मुरादाबाद दंगे का जिक्र किया गया है और ये रिपोर्ट जो है विधानसभा में पेश किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे जिनको लेकर बातचीत, जिनको लेकर मंथन होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जाकर मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में पेश की गई है, विधानसभा में रखा गया है उसे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसको लेकर सवाल जवाब किए जा रहे थे, लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है विधानसभा में पेश किया गया है। 43 साल बाद इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। हालांकि सरकारें आई और गई भी, लेकिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन अब इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया है। मुरादाबाद दंगे की ये रिपोर्ट है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि आखिरकार उस समय क्या हुआ था मुरादाबाद में, उससे संबंधित ये रिपोर्ट 43 साल बाद मुरादाबाद दंगा जो हुआ था उसकी रिपोर्ट है ये। और आपको ये भी बताते चल रहे हैं क्या हुआ था अगस्त 1980 में ईदगाह में दंगे भड़के थे। ईदगाह, आपको बताते चले कि ईद के दिन ही ये पूरा दंगा शुरू हुआ था और दंगों में करीब बताया जा रहा है कि 83 लोगों की जान चली गई थी, 100 से ज्यादा लोग जो थे वो घायल हुए थे। तो मुरादाबाद दंगे में क्या हुआ था ये भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है विधानसभा में पेश की गई है। राज्य में बीबी सिंह के नेतृत्व में वाली कांग्रेस सरकार थी उस समय में और मुस्लिम साथी वाल्मीकि समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। जांच के लिए जस्टिस सक्सेना की कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी। सहयोगी राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट जो है विधानसभा में पेश कर दी गई है अब तो? जी हाँ, आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुरादाबाद दंगे में जो कि 1980 में हुआ था 13 अगस्त को, उसकी रिपोर्ट आज विधानसभा के पटल पर रख दी गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को विलंब के कारणों को बताते हुए उस विधानसभा के पटल पर रखा गया है। दरअसल इस 13 अगस्त 1980 को हुए मुरादाबाद दंगे की जांच के लिए सक्सेना आयोग का गठन किया गया था, जिसके आयोग की रिपोर्ट उसी वक्त आ गई थी, लेकिन बीती पिछली सरकारों द्वारा इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। लेकिन योगी सरकार ने बीते दिनों जो मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने का फैसला किया था, विधानसभा के पटल पर रखने का फैसला किया था, उसी के तहत आज विधानसभा सत्र में के दूसरे दिन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस रिपोर्ट को पटल पर रख दिया है, जिसके बाद अब ये जो रिपोर्ट है वो सभी माननीय सदस्यों को मुहैया कराई जाएगी। कुछ देर बाद न्यूज 18
भी इस रिपोर्ट को अपने दर्शकों को दिखाते हुए बताएगा कि आखिर जो 1980 में 13 अगस्त 1980 को इनके नमाज के बाद दंगे हुए थे वो उसके पीछे क्या कारण थे, कहां पर चूक हुई थी, कहां पर लापरवाही सामने आई थी। तमाम जो प्रश्नों के जवाब अब तक 43 साल तक नहीं मिले थे वो 40 साल बाद इस रिपोर्ट को रखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को खासकर मुरादाबाद के लोगों को ये पता लग पाएगा कि उस समय कौन कौन सी बड़ी चूक हुई थी जिसके कारण इतना बड़ा दंगा हुआ, क्योंकि इस दंगे में करीब 83 लोगों की मौत हुई थी और करीब 125 लोगों से भी अधिक लोग घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर 1980 में जो मुरादाबाद का दंगा था उसको सच बताने के लिए योगी सरकार ने आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मानसून सत्र के दौरान इस रिपोर्ट को पटल पर रखा है और कुछ ही देर बाद ये रिपोर्ट सभी के सामने सार्वजनिक की जाएगी। बिल्कुल राजीव, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है 43 साल पहले मुरादाबाद जो दंगा हुआ था, लोग जानना चाह रहे हैं कि उस समय हुआ क्या था, कहां पर क्या चूक रह गई थी। हालांकि ये रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश की गई है इसी के द्वारा, इस रिपोर्ट के जरिए आखिरकार पता चलेगा कि उस समय हुआ क्या था। हालांकि तमाम और भी ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी चर्चा होगी। राजीव, राजीव आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे। मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश कर दी गई है और आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि आखिरकार 1980 में मुरादाबाद में क्या कुछ हुआ था, वहां पर किस तरीके से ईदगाह में नमाज के बाद दंगे भड़के थे और जांच के लिए जस्टिस सक्सेना की कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और अब ये रिपोर्ट जो है पेश कर दी गई है। राजीव, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, ये रिपोर्ट तो पेश कर दी गई है लेकिन अब ये भी है कि इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको अभी उठाया जाएगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से? देखिए, इस दौरान कई अहम प्रस्ताव रखे गए हैं, विधेयक विधानसभा के पटल पर रखे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिपोर्ट रखी गई है वो मुरादाबाद दंगे की है, क्योंकि 43 वर्ष पहले हुए मुरादाबाद में दंगों का सच अब देश दुनिया को पता चल सकेगा कि आखिर उस वक्त किस तरह की भूल हुई थी, किस तरह से गलती हुई थी और क्यों मुरादाबाद दंगा हुआ था जिसमें 83 लोगों की मौत हुई थी, 83 परिवारों का जो जख्म है वो आज तक इस सवाल का जवाब चाहते थे। लेकिन आपने देखा कि पिछले 43 साल तक सरकारों ने इस सच को लोगों के सामने नहीं रखा, लेकिन योगी सरकार ने यह फैसला किया था बीते दिनों कि जो 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए थे ईद की नमाज के बाद उसका सच वो बताने के लिए विधानसभा के पटल पर इस की रिपोर्ट रखी जाएगी। और बिल्कुल राजीव, और ये जनता अब जानना भी चाहती है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी कहा था कि इस रिपोर्ट को पेश करना बहुत जरूरी है। और चलिए यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।